अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ताज़ा गल्फ न्यूज़ आपका स्वागत करता है, इस्तकबाल करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आखिर तक देखें। दोस्तों, आज सऊदी नेशनल डे है और ये 92वां सऊदी नेशनल डे बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको दो तीन दिन से बिल्कुल लगातार कंटिन्यू अपने चैनल पे दिखा रहा हूँ कि भाई मुख्तलिफ कंपनियों में ये प्रोग्राम ज़बरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है, क्योंकि आज छुट्टी है और हमारे को कल भी छुट्टी थी और बहुत सारे कंपनियों को दो तीन दिन तक छुट्टी थी, स्कूल को भी छुट्टी थी। तो क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की तरह ये नहीं मनाया जाता, बल्कि ये सऊदी अरब में अलग तरीके से मनाया जाता है और यहाँ का एक नज़ारा देखने का होता है कि भाई किस तरह लोग आपस में मिलते हैं और मोहब्बत से मिठाई खिलाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं और ज़बरदस्त तरीके से सऊदी नेशनल डे मनाया जाता है। और ये वाकई तारीख़ी दिन होता है, देखने के लायक होता है। बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे सुपरमार्केट स्पेशल डिस्काउंट देते हैं और बहुत सारे दवाखाने वाले लोग भी जो दवाखाना चलाते वो लोग भी स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। यानी 1000 रुपये का काम सिर्फ आपको 92 रियाल में हो जाता है। यानी इस किस्म की ज़बरदस्त छूट आपको हमारी तमाम ताज़ा गल्फ न्यूज़ की टीम की तरफ से खुसूसी मुबारकबाद हो। आज रंगारंग प्रोग्राम होगा, कई जगहों पे लोग जो है आपको मिलेंगे और माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से आपको सरप्राइज़ गिफ्ट भी देंगे। बहुत सारे सुपरमार्केट्स में ऐसा होता है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर जाइएगा। ख़ासतौर से मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेन रोड से जाते हैं तो ख़ासतौर से ऐसे मेन रोड से मत जाइए जैसे मक्का मदीना की मेन रोड है, ऐसे 3 हैं, सबाइन है, अरबाइन है, ये मेन रोड है, यहाँ पे बहुत रश होता है। तो आप ऐसी रोड चुनिए जहाँ पे रश ना हो, और वैसी जगहों से अगर आप माल वगैरह जाते हैं तो वहाँ के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। वरना अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे मक्का मदीने की रोड है और 3 सबाइन अरबाइन ऐसे मेन रोड हैं, तो फिर आपको रश का जहमत थोड़ी उठानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है जो झंडा लेके जो नौजवान बच जाते हैं तो कारों का काफिला होता है और ऐसे में ट्रैफिक ज़रा स्लो हो जाती है। तो आप बस ये देख सकते हैं कि भाई ये रोड पे का नज़ारा, लेकिन आपको जो जैसे कॉर्निश वगैरह पे जाते हैं लोग या माल वगैरह में या फिर ऐसे खसूसी जगहों पे, तो आपको वक्त से पहले जाना चाहिए या फिर आप ऐसे रोडों से जाइए जहाँ पे रश ना हो। अगर आप इन रोडों पे से जाएंगे जहाँ पे रश होगा तो फिर आप मंजिल पे देर से पहुँचेंगे, या फिर हो सकता है कि भाई आपका जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाए उसके बाद पहुँचे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं जस्ट एक सावधानी के लिए, एहतियात के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपको कहीं जाना है तो फिर आप वक्त से पहले जाए या फिर आप ऐसी जगहों से जाए जहाँ पे रश ना हो। दूसरी बात ये कि आप ज़रूर इसके जो है ब्रोचर देखें कि भाई किसके पास क्या चीज़ सस्ती है, क्योंकि आज बहुत सारे माल में, बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि सऊदी नेशनल डे मनाया जा रहा है तो बहुत सारी चीज़ें आपको सस्ती मिलेगी, तो वो भी आप देखें और उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जिस तरह से माशाल्लाह मनाया जाता है, शायद ऐसा आपको नज़ारा कहीं नहीं मिलता, तो ये नज़ारा आप टीवी पे भी देख सकते हैं। टीवी पे भी आपको बेहतरीन तरीके से ये नज़ारा देखने को मिलता है, ख़ास तौर से एयर शो जो कि आपको कॉर्निश के पास देखने को मिलता है, लेकिन हो सकता है आपको 3, 4, या 5 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ाना पड़े और वहीं पार करके अपनी फैमिली के साथ आपको आना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप ये देखने के लिए जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी सही जगह पार करे, क्योंकि गाड़ी गलत जगह पार करने के ऊपर आपको जुर्माना आ सकता है। और डबल गाड़ी पार करेंगे तो हो सकता है 150 का जुर्माना हो या हो सकता है ज़्यादा का भी हो। और ऐसा है नहीं कि भाई आप जो है आज का स्पेशल दिन है ऐसा बोल के ऐसा मत सोचिए, क्योंकि भाई गलत गलत ही होता है। और अगर आप ऐसी जगह पे पार्क करते हैं जहाँ पे विकलांग लोगों के लिए गाड़ी रखी जाती है, जैसे कि भाई माजूर लोगों के लिए, तो फिर ऐसी जगह पे मत रखें, 500 रियाल का जुर्माना आ सकता है। याद रहे ये जुर्माने आप मेहनत की कमाई है और गलती से भी अगर आप गलती कर देते हैं तो भुगतना को आपको ही रहेगा। आप अगर ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर रश वगैरह है, पार्किंग नहीं मिलती है, उससे अच्छा है कि भाई आप गलत जगह पर जाए और पार्किंग
ना मिले, आपके लिए बेस्ट है कि अपने घर पे आ जाए और टीवी पे ये सब नज़ारे आप देख सकते हैं। वैसे अगर आप जाके देखना चाहते हैं तो सही जगह पार करें और हो सकता है आपको पैदल जाना पड़े, वॉकिंग भी हो जाएगी, आप पैदल जाके भी देख सकते हैं। आने के टाइम पे बहुत रश होता है तो आपको कम से कम एक आधा घंटा या 45 मिनट्स पहले, ये प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले निकलना बहुत ज़रूरी। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी जाके आए हुए हैं और बहुत रश रहता है, ख़ासतौर से बच्चे रहते हैं, हम वगैरह जाना पड़ता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो इसलिए मैं पहले से कह रहा हूँ। बहरहाल हम भी एक डीएक्शन के प्रोग्राम में गए थे, ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर प्रोग्राम हुआ, हमने देखा और एक ज़बरदस्त रंगारंग प्रोग्राम है। और जैसा कि मैंने बताया कि भाई हर बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी हर जगह लोग झंडा चढ़ाते हैं और उसको देखते हैं, मिठाई बांटते हैं और अरबी लोग ख़ासतौर से अरबी की किस्म की मिठाई है, अरबी आइसक्रीम है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने में मिलती है। मेरा दोस्तों अगर आपको कुछ कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत, कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है, उसके हुकूक में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक यह है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी कवायद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। क़ुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है, इससे वाज़े है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, और क़ुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फों की मारिफत है तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक अदा होगा और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है तो उससे तिलावत का हक अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूं आता है, ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा, अपनी आवाज़ से क़ुरआन को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्नस्सौतल हसन यज़ीदुल क़ुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से क़ुरआन को पढ़ो क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال في موضع آخر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها, قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں۔